हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्टेप ड्रिल बिट, जो कि दोस्तों एक काफ़ी पहले का ये आर्डर है जो कि मुझे काफ़ी बाद में मिल रहा है। लगभग बहुत ही समय दोस्तों, लगभग 19 से 20 दिन हो गया है इसको आर्डर किए हुए और आज मुझे ये आकर मिला है। तो दोस्तों ये बहुत दिन के बाद मिल रहा है, लग रहा था दोस्तों जैसे चाइना से आ रहा हो, उतनी दूरी जैसे इसको तय करनी पड़ी। ये दोस्तों देख रहे हैं आप, डिलीवरी करके है यहाँ पर। तो ये जो दोस्तों है, ये कुरियर जो है दोस्तों कंपनी मेरे यहाँ जो है सक्सेस नहीं है, ये बहुत ही लेट करती है। इससे मेरा 3 पार्सल था, तीनों दोस्तों जो CPD होता है, जो डेट दिया गया रहता है, तो वो मतलब कि ये सभी पार करके आया है, कोई भी मतलब डेट पर नहीं आया है। तो ये बहुत ही बेकार है यहाँ पर हमारे, हो सकता है आपके यहाँ इसकी सर्विस अच्छी हो लेकिन हमारे यहाँ इसकी सर्विस सही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए देखिए, ये दोस्तों आता नहीं है रैप में, ये जो है कुरियर के द्वारा ही रैप किया गया है, क्योंकि ये जो है पूरा फट चुका था। ये देखिए बॉक्स लगभग 18 से 19 दिन 20 दिन हो गया लगभग। तो ये क्या है ना कि आते जाते इधर उधर करते करते पूरा फट गया था, और यहाँ पर देखिए इसके अंदर मुझे यही मिला है। और इसकी प्राइस दोस्तों मैं आपको लगा दूंगा बगल में। तो यहाँ पर देखिए इसी टाइप का था, इसे मैंने दोस्तों पहले ही काट के इसे देख लिया था और मैं इसे आपको वीडियो में भी चला के दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको दोनों ही जो स्क्रू ड्राइवर है और ड्रिल है दोनों से मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 32 mm तक है। एक ही दोस्तों मैंने मंगाया था और इसका प्राइस दोस्तों मुझे काफ़ी कम पड़ा था, लगभग से नॉर्मल जितनी प्राइस होती है उससे तो मुझे कम ही पड़ा था। तो काफ़ी अच्छे से दोस्तों ये ड्रिलिंग कर लेता है, और इससे मैंने थोड़ा सा किया भी है, हालांकि मशीन से मैंने नहीं किया था, जो कि स्क्रू ड्राइवर जो है उससे किया था। और ये जो देख रहे हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा कि स्क्रू ड्राइवर में भी आसानी से बैठ जा रहा है। तो चलिए मैं पहले स्क्रू ड्राइवर में ही आसानी से बैठा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा स्क्रू ड्राइवर, तो दोस्तों इसमें देखिए कितनी आसानी से लग गया, और इसको देखिए इससे दोस्तों आप चाहें तो इसे आप होल भी कर सकते हैं, जो कि ये दोस्तों है मेटल के लिए, प्लास्टिक के लिए, लकड़ी के लिए, PVC वगैरह, मतलब कि आप किसी भी चीज़ में आप इसे होल कर सकते हैं। और दोस्तों जो बहुत ही हैवी मेटल है मैं उसे यूज करने के लिए इसे नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसमें टाइटेनियम कोटिंग सिर्फ दी गई है, लेकिन दोस्तों ये उतनी अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है, आप लोग प्राइस के अकॉर्डिंग देख ही सकते हैं। ये मैंने सिर्फ मंगाया है कि हल्का फुल्का मेटल हो जाएगा और जो प्लास्टिक वगैरह होते हैं थोड़े बहुत, तो उसमें भी ये काम करेगा अच्छे से। देखिए मेरे पास है ये एक जो दोस्तों सेट टॉप बॉक्स का होता है एक टीना, तो इसे मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसमें दोस्तों इसको प्लास्टिक में चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, मैंने देखा है प्लास्टिक में करके। तो अगर टीन में काम करेगा तो प्लास्टिक में बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, PVC वगैरह में। तो आप लोग जो आप लोग को कई प्रकार के अगर प्रोजेक्ट बनाने होते हैं तो आप लोग इसे एक पीस तो आप लोग लीजिए दोस्तों, जो 3 पीस आते हैं आप मत लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि पैसा जो है बेमतलब का लग जाता है। एक होता है 4 से या 3 से 12 mm तक होता है, एक 4 से 20 mm तक, और एक दोस्तों 4 से 32। तो दोस्तों अगर आपको 4 से 32 mm अगर एक ले लेते हैं तो इसमें 20 mm भी मिलेगा, 12 mm भी मिलेगा। एक पीस परचेज कीजिए, आपको पैसा भी कम लगेगा, और अगर उसी की अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग ले सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों ये मैं ड्रिल देखिए मेरा चालू कंडीशन में, तो चलिए मैं इसे लगा के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसे करने के बाद दोस्तों इसका जो की होता है उससे आपको कस लेना है, और ये दोस्तों बिट की तरह नहीं है, जो कि ड्रिल का बिट होता है चिकना होता है, तो उसकी तरह नहीं है। अगर ये फंस जाता है दोस्तों तो काफ़ी अच्छे तरीके से लॉक कर लेता है। तो इसे देखते हैं दोस्तों इसमें चला के। तो दोस्तों हैवी मशीन के सामने तो ये सही लग रहा है, और दोस्तों ये जो स्क्रू गन था इसके सामने तो बहुत बड़ा लग रहा था। तो अभी दोस्तों अपना सही पोजीशन में नाच रहा है, देखिए राइट साइड में, जो कि उसी साइड होल भी करता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए एक होल है। एक दोस्तों इसमें और आपको बता दूं कि ये जो चीज़ होती है ना, ये दोस्तों ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए पूरा नहीं है। ये क्या होता है ना कि आप लोग बार बार अगर आप एक ही चीज़ से अगर ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, लोहे में भी अगर आप यहाँ से ड्रिल करने की कोशिश करेंगे ना तो ये ख़राब हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है ना कि आपको ड्रिलिंग पर्पज़ में इसे पूरा यूज़ नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, ये दोस्तों जो होल होता है ना उसको बड़ा करने के लिए होता है। अगर आप लोग प्लास्टिक में है तो प्लास्टिक में सीधा कर सकते हैं, लेकिन जैसे मेटल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया तो आप इसे सीधा मत कीजिए, नहीं तो ये जो होता है ना इसका मुंह ये ख़राब हो जाएगा।
तो फिर आगे नहीं होगा। वैसे इस समय देखेंगे तो इसका काफ़ी शार्प है, इसका मुंह दिया हुआ तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। तो चलिए इसमें थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तो इसलिए तो देखिए दोस्तों होल को बड़ा कर दिया है और दोस्तों काफ़ी शार्प तरीके से किया है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, इस तरफ भी, और यहाँ देखिए कितना जो मैं ये लोहे को गिरा दिया है। तो इस लोहे को अगर दोस्तों ऐसी कनी अगर आपको मिले ना तो इसको साफ़ करने के लिए हाथ से इसको कोशिश मत करें उठाने के लिए। इसमें आप मैग्नेट ले आइए, ऐसे इसको मतलब नीचे तक सटाइए मत, ऊपर से ही कर दीजिए, साफ़ कर देगा। तो चलिए और इसको करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों देखिए ये जो है काफ़ी और भी बड़ा इसका होल कर दिया है, और दोस्तों जो ये होल किया था तो ये काफ़ी हीट हो गया था यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों इस तरफ भी इसको होल करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों होल काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं दोस्तों तो इसे ले सकते हैं, आप लोग इसे ऐसे भी देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, और काफ़ी दिन बाद आया तो इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।